हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीकेंड टेक चैनल। आज मैं आपको कुछ एक्सेल के अंदर न्यू ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। सो आर यू रेडी फॉर द एक्सेल न्यू ट्रिक्स? तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। सबसे पहले विंडो आर, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है, एंटर करना है। जैसे आपका एक्सेल ओपन होता है, यहाँ से क्लोज करो, इट इज क्लिक फॉर ब्लैंक वर्कबुक। ये हुआ हमारा एक्सेल ओपन, राइट। तो एक्सेल में कुछ मैजिक ट्रिक्स हम देखने वाले। सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोगों को शीट वन दिखाई दे, शीट वन, ओके। यहाँ पे देखो, इट इज अ शीट वन। अब ये शीट वन आपको दिखाई दे रहा, राइट। बट कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, वो गायब हो जाता है, राइट। और उसको ऑन एंड ऑफ कैसे करते हैं? सबसे पहले फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है। ध्यान से देखो, स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे शो टिक दिखा दिया आपको, शो शीट टैब्स, ओके। इसको यहाँ पे टिक मार्क हटाना है, इसको टिक मार्क हाइड कर दो। हाइड करने के बाद यहाँ से ओके करना है, तो कुछ इस तरह आपका शीट डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से गायब हो जाएगा। बट ये शीट मुझे वापस लाना है, तो क्या करोगे? वापस आपको फाइल में जाना है, उसके बाद ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन के बाद आपको एडवांस में जाना है। यहाँ से आपको स्क्रोलिंग करना है। क्या करना है? स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग करने के बाद यहाँ पे आपको शो शीट टैब्स को टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको वापस यहाँ से ओके करना है, तो आपका शीट वन वापस आ जाएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। एक्सेल के अंदर आपको तो पता है कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, बहुत सारे अलग अलग टैब्स है। अगर ये टैब्स गायब हो गए तो आप इनको कैसे वापस लाओगे? मैं आपको कुछ ट्रिक बताना होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है रिबन पे, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या बोला है, ऑटो हाइड रिबन, इस पर क्लिक करो। तो कुछ इस तरह आपका पूरा का पूरा टैब गायब हो जाएगा। आप सोचोगे, अरे ये क्या हुआ, अचानक टैब्स गायब हो गए, बट आप ये कैसे लाओगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड, इस पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा का पूरा टैब्स शो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। एक्सेल में यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज डॉट, फॉर्मूला, अलग अलग टैब है, बराबर है। अब मोस्ट ऑफ द हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक किया टैब हाइड हो गया, डबल क्लिक किया वापस से टैब शो हो गया। बट यही चीज मुझे कीबोर्ड से करना है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल F1 क्या प्रेस करना है, कंट्रोल F1, ये देखो हाइड, कंट्रोल F1, सी हाइड एंड शो। कंट्रोल F1 से हाइड भी होगा, कंट्रोल F1 से शो भी हो जाएगा। अगर आपको माउस से करना है, डबल क्लिक करो तब भी चलेगा, होम पे डबल क्लिक करो तब भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। यहाँ पे एक्सेल में आपको दिखाई दे एबीसीडी, इस एबीसीडी को मुझे 1-2-3 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले फाइल में जाना है, उसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन के बाद आपको जाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आपको जाना है यहाँ पे R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका 1-2-3 में डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज। बट अगर वापस आपको बोला गया कि मुझे वापस एबीसी में कन्वर्ट करना है, वापस से आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, फॉर्मूला जाना है, इट इज R1C1 रेफरेंस स्टाइल, इस पर टिक करना है और वापस यहाँ से ओके करना है, सिंपल। तो आपका एबीसीडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक। एक्सेल के अंदर यहाँ पे आपको ग्रीड लाइन दिखाई दे, राइट। एक्सेल के अंदर ग्रीड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक्सेल में ग्रीड लाइन हाइड हो जाए, अभी तो शो है बट कभी कभी हाइड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? तो व्यू के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रीड लाइन, अगर मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ तो आपका ग्रीड लाइन पूरा का पूरा प्लेन हो जाएगा, दिखा दिया। बट इसी ग्रीड लाइन को मुझे वापस से लाना है, तो आपको बस यहाँ पे टिक करना है ग्रीड लाइन, तो आपका पूरा का पूरा ग्रीड लाइन शो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक। एक्सेल में अगर आपको लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, लिस्ट। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया पूजा, ओके, देन समीर, देन सुरेश, ओके, देन सना।
तो मुझे नाम टाइप करने में बहुत टाइम जा रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, लिस्ट बनाऊंगा। आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है। एडवांस के बाद आपको नीचे स्क्रॉलिंग करना है। स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है। आपके जो भी नेम से आप यहाँ पे टाइप करो, लाइक पूजा, सना, संजना, साइमा, समीर, पूनम, राज, सनम, सोनम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप नाम टाइप करो और यहाँ से ओके करके वापस से ओके करना। और जो भी आपका फर्स्ट नाम है आपको यहाँ पे पूजा टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको बस यहाँ से ड्रैग करना है, जितना आपने नाम लिखा है उतना ड्रैग करो, पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। आपको वापस से बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे। एक्सेल में क्या होता है, कई बार मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया, ओके, यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया लाइक सब्जेक्ट वन, बराबर है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, एंड यहाँ पे टोटल, ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, ओके, देन यहाँ पे कुछ मैंने नाम टाइप किया, यहाँ पे मेरे कुछ मार्क्स होंगे, बराबर है। ओके, राइट, यहाँ पे मेरे क्या है, कुछ मार्क्स है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, होम में जाके टोटल निकालूंगा ऑटोसम। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट रो है उसको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो फ्रीज कैसे करोगे, आपको क्या करना है, फ्रीज करना है। तो सबसे पहले टू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, व्यू में जाके आपको यहाँ पे फ्रीज पेन में आके फ्रीज पेन कहाँ पे क्लिक करना है, फ्रीज पेन पे, सिंपल। अब एरो पे क्लिक करो नीचे, ये देखो आपका जो रो है वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, अब मुझे अनफ्रीज करना है, वापस से टू को सिलेक्ट करना, फ्रीज में जाना, अनफ्रीज करो, सिंपल। अब मुझे कॉलम फ्रीज करना है, मान लो मुझे ओनली ए कॉलम फ्रीज करना है, तो आप लोगों को बी को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, बी को, फिर आपको फ्रीज में जाना है, फ्रीज पेन पे क्लिक करना है, तो इस तरह आपका कॉलम भी फ्रीज हो जाएगा, समझा आपको, ऐसा। अनफ्रीज करना है, बी पे क्लिक करो, फ्रीज पेन में जाओ, अनफ्रीज करो। अभी मान लो मुझे ए और बी को फ्रीज करना है, तो आपको सी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करोगे, फ्रीज करोगे, तो कुछ इस तरह फ्रीज हो जाएगा। अभी अनफ्रीज करना है तो आपको मैंने पहले बताया, सी पे क्लिक करके फ्रीज पेन में अनफ्रीज करो। तो ये थे हमारे कुछ एक्सेल के ट्रिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।